स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री प्रोजेक्ट प्लानिंग अंडर एफ बी कॉम कॉमर्स वन सब्जेक्ट ठीक है चलिए अभी आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस लीगल प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर का पार्ट थ्री हम स्टडी कर रहे हैं कुछ लीगल प्रोविजंस uh, बनाए गए हैं हमारे बिजनेस uh, को हेल्प करने के लिए या फिर हम कहें सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो कौन कौन से लीगल प्रोविजन्स है वो हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन uh, यहाँ पे आने वाली है तो इंफॉर्मेशन भी हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ कॉन्सेप्ट करते जाएंगे चलिए कंपनी मस्ट फॉलो वेरियस लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेरियस एक्ट्स अभी काफ़ी सारे एक्ट यहाँ पे आएंगे ठीक है तो वो एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजन बताए गए हैं उन्हें फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा कंपनीज के लिए नहीं फॉलो किया गया तो फिर फाइन लग सकते हैं पेनल्टीज लग लग सकती है और भी काफ़ी सारे लीगल स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट अगेंस्ट कंपनीज या बिजनेसेस ठीक है तो अभी कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं तो सबसे पहला है द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 ये सारे ही हम डिटेल में करेंगे एक एक फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द मिनिमम वेज एक्ट वेजेस एक्ट 1948, द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नाइनटीन कंपटीशन नाइन कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू द इम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टेन द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन अदर acts सच as इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 sale of सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट bonus act 1965 बोनस एक्ट union act 1926 the ट्रेड यूनियन एक्ट act 1936 पेमेंट ऑफ एक्ट ठीक है ये सारे ही एक्ट्स बनाए गए हैं हमारे लिए ठीक है अभी वो हम पढ़ेंगे द एक्ट्स आर ब्रीफली एक्सप्लेंड एज़ फॉलोज सबसे पहला आया है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एट ठीक है दिस एक्ट वॉज पासड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया द प्रोविजन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सम ऑफ द प्रोविजन्स इंक्लूड द प्रोविजन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री दैट आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ पहले ट्रेडिशनली जो बिज़नेसेस होते थे ठीक है जो खास करके मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेसेस होते थे तो वहाँ पे वर्कर की सेफ्टी का इतना ध्यान नहीं रखा जाता था अब ये जो सारे एक्ट फॉलो करने हैं रूल फॉलो करने हैं बिजनेसिस को उनके ज़रिए वर्कर का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि उनकी सेफ्टी के बारे में सोचा जा रहा है अभी तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन क्या बताता है मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम ऑफ वर्क

हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो करने वाले हैं रॉ मटेरियल लाएंगे प्रोडक्शन करेंगे प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करके इक्विपमेंट करें इक्विपमेंट यूज़ करके वो गुड्स को वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह यानी कि चलो वेयर हाउस में ले गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले गए कस्टमर के पास पहुँचाया तो सारी चीज़ें जो होती है उसमें वर्कर की सेफ्टी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि कोई ये जो सारी प्रोसीजर हमने कही उसमें से कोई भी एक प्रोसीजर ऐसी हो जो वर्कर के लिए हार्मफुल हो ऐसा नहीं होना चाहिए तो अरेंजमेंट इन फैक्ट्री सही सही होनी चाहिए द प्रोविजन ऑफ सच इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एज आर नेसेसरी टू एंश्योर देल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर्स एट द वर्क एम्प्लॉयीज़ को जहाँ पे भी ज़रूरी हो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग वगैरह उसे देना ज़रूरी होगा जहाँ पे भी सुपरविजन के रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय को काम को सुपरवाइज़ करना वो भी करना ज़रूरी होगा द मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेसिस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री इन अ कंडीशन दैट इज़ सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ एंड प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ सच मीन्स ऑफ एक्सेस टू एंड एग्रेस फ्राम सच प्लेसिस आर सेफ एंड विदाउट सच रिस्क जितनी भी प्लेसिस ऑफ वर्क है उनका मेंटेनेंस सही सही होना चाहिए ठीक है अभी आ, कोई बिल्डिंग है जहाँ पर फैक्ट्री है फैक्ट्री चल रही है अभी वो बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया है तो वो भी ध्यान देना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ के काम कर रहे एम्प्लॉयीज़ के लिए वो रिस्क हो ठीक है तो यहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि प्रोविज़न एंड मेंटेनेंस ऑफ सच मीन्स ऑफ एक्सेस टू एंड एग्रेस फ्रॉम यानी कि उस प्लेस पे पहुँचना एंड वहाँ से वापस आना वो भी एम्प्लॉय के लिए सेफ़ होना चाहिए ठीक है अभी आगे बात की है उन लोगों ने द प्रोविजन मेंटेनेंस और मोनिटरिंग ऑफ सच वर्किंग एन्वायरमेंट इन द फैक्ट्री फॉर द वर्कर दैट इज सेफ विदाउट रिस्क टू हेल्थ एंड एडिकुएट एज रिगार्ड फैसिलिटीज एंड अरेंजमेंट फॉर दर वेलफेयर एट वर्क यानी कि वहाँ का जो एनवायरमेंट है फैक्ट्री का वो भी बराबर से मेनटेन करना होगा इस आ, एक्ट में कहा गया है कि आ, वर्कर की लेबर की सेफ्टी पे बहुत ध्यान देना होगा कोई भी चीज़ उनकी हेल्थ को हार्मफुल नहीं होनी चाहिए नाउ नेक्स्ट एक्ट इज द मिनिमम वेजिस एक्ट 1948 द मिनिमम वेज एक्ट 1948 वाज एट इनेक्टेड टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स मोस्टली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस इन सर्टन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयमेंट्स देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज होगी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है वहाँ पे तो वेजेस फिक्स किया होगा एम्प्लॉयज़ का वर्कर्स का अब यहाँ पे उन लोगों ने मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की है अनऑर्गेनाइज जो स्कैटर्ड है जो बिज़नेसेस वहाँ पे क्या होता है वर्कर को सही सही वेजेस नहीं मिल पाता तो उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेजेस उन लोगों ने फिक्स कर दिया ठीक है ताकि एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लाइटेशन uh, ना हो ना इट बाइंड्स द एम्प्लॉयर्स देखिए इट बाइंड द इम्प्लॉयर टू पे देर वर्कर मिनिमम वेज फिक्सड अंडर द एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर के लिए क्या हो गया जिम्मेदारी हो गई कि उसने उसके एम्प्लॉय को या लेबर को कुछ मिनिमम फिक्स अमाउंट जो मेंशन किया गया उतना तो पे करना ही होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम नाउ अंडर द एक्ट बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स रिवाइज रिव्यू एंड एनफोर्स द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजिस टू वर्कर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल इम्प्लॉयमेंट अंडर दर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन अभी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही रोल आता है किस चीज़ में टू फिक्स रिवाइज रिव्यू एंड एनफोर्स द मिनिम वेजेस मिनिमम वेज कितना होना चाहिए रिस्पेक्टिव जॉब के लिए तो उसे फिक्स करना उसे रेगुलरली रिवाइज़ करना ऐसे नहीं होना चाहिए कि सालों साल तक जो मिनिमम वेज रेट स्पेसिफाई किया है वो उतने का उतना ही रहे एम्प्लॉयर तो क्या करेगा वही अमाउंट मिनिमम जो है वही पे करता रहेगा तो उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है रिव्यू करना कि वो अमाउंट जो आ, हमने रिवाइज़ किया है वो फिक्स किया है वो सही है या नहीं ठीक है तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अभी आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की बात करेंगे यहाँ पे हम द फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1999 एंड केम इनटू फोर्स इन 2001 इट रिप्लेस्ड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट सम ऑफ़ द एक्टिविटीज़ ऑफ फेमा आर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की बात होगी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन पीपल लिविंग इन इंडिया हु कैरी आउट ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरन सिक्योरिटी और हु ओन और होल्ड इमोवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड देखिए फॉरेन एक्सचेंज में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरेन सिक्योरिटी फॉरेन कंपनीज़ की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो ओन और होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी दूसरी कंट्री में घर लिया है या कोई जगह ली है ठीक है वहाँ की इमूवेबल प्रॉपर्टी में खरीदी गई है तो ऐसे ट्रांजेक्शन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसके बाद है विदाउट जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पेमा रिस्ट्रिक्स द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फ़ॉरन एक्सचेंज और फॉरन सिक्योरिटी एंड पेमेंट फ्राम आउटसाइड कंट्री टू इंडिया द ट्रांजेक्शन शुड बी मेड ओनली थ्रू एंड ऑथोराइज पर्सन ऑथोराइज पर्सन के थ्रू ही फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करना ज़रूरी होगा ठीक है एंड विद द जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ऑफ आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी परमिशन होना जरूरी है उसकी लिमिट के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते नेक्स्ट इज डील इन डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बी ओ पी बाय एन ऑथोराइज पर्सन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा ऑथराइज्ड पर्सन के लिए भी कुछ ट्रांजेक्शन की लिमिट स्पेसिफिक स्पेसिफाई की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ना नेक्स्ट चलिए ये हमने बात की फेमा की फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट नेक्स्ट इज कंपटीशन एक्ट 2002 कंपटीशन एक्ट 2002 बिजनेसेस हो रहे हैं अभी कोई भी बिज़नेस की हम बात करें तो मार्केट में कंपटीशन तो होगा ही होगा विदाउट उसके तो कोई भी बिज़नेस चलने नहीं वाला और कंपटीशन होना ज़रूरी भी है ठीक है अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कोई भी बिज़नेस आगे बढ़ने की नहीं सोचेगा क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को देने की नहीं सोचेगा अच्छी प्राइस पे कस्टमर को गुड्स देने की नहीं सोचेगा ये सारी चीज़ें कब होंगी जब कंपटीशन एग्जिस्ट करता है तब होगी कंपटीटर है तो बिजनेस को ऐसे लगेगा कि चलो नहीं हम हमारे कंपटीटर के बदले अच्छा प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हैं रिजनेबल प्राइस पर देते हैं ताकि हम मार्केट में टिक सके ठीक तो है तो कॉम्पिटिशन मार्केट में होना ही होना है तभी तो कंपटीशन कैसा होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कोई भी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए जैसे कि काफ़ी सारे बिजनेसिस करते हैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं मार्केट में गुड्स की या तो फिर गलत एडवर्टीजमेंट करते हैं कॉम्पिटिशन में आगे आने के लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो कंपटीशन एक्ट 2002 वाज इनेक्टेड बाय the Parliament of India and governs Indian competition law. It replaced, it replaced the Archaic Monopoly and Restrictive Trade Practices Act 1969. This Act was replaced by Competition Act 2002. Under this legislation, the Competition Commission of India was established टू प्रिवेंट एक्टिविटीज़ दैट हैस इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया इस एक्ट के अंडर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया ठीक है अभी ये क्या क्या काम करेगा तो जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ हो रही है गलत गलत एक्टिविटीज़ हो रही है बाय बिजनेस मैन उसे वो हटाने की ट्राई करेगा ठीक है वो काम रहेगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का द कमीशन द कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू वॉज अमेंडेड बाई कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सेवन देखिए टू थाउजेंड टू से अभी अमेंड होके टू थाउजेंड सेवन हो गया अगेन बाय कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइन एंड फाइनली टू थाउजेंड नाइन हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू आर कौन कौन से ऑब्जेक्टिवस रहे इस एक्ट के To prevent practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition in the market, healthy competition ko promote karna and sustain yaane ki maintain rakhna, to protect interest of consumers, to ensure free freedom of trade carried on by all participants in the market in India and for matters connected therewith or incidental thereto. Freedom of Trade फ्रीडम ऑफ ट्रेड यानी सबको ही फ्रीडम है कोई भी बिजनेस करने की इंडिया में राइट अभी कभी कभी ऐसे होता है कि बड़े बड़े बिजनेसिस हैं वो छोटे मोटे बिजनेसिस को नहीं टिकने देते तो ये चीज़ें गलत है तो वो सारी चीज़ें हटानी चाहिए एंड हेल्दी कंपटीशन लाना चाहिए तो यही चीज़ इसमें बताई गई है ये सारे ऑब्जेक्टिव रहे कंपटीशन एक्ट के अभी आगे बढ़ते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 थाउजेंड सिक्स यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ठीक है अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैस को हम कैसे बताएंगे कि वो कौन सा है तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ठीक है प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा माइक्रो एंटरप्राइज है मीडियम है या स्मॉल है दिस एक्ट फैसिलिटेट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड एनहेंसिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिस एक्ट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग एंड ट्रैक्स ऑडिट इन ती ये सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइंस उसमें दी जाएगी द एंटरप्राइजेस आर क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन द मैनुफेक्चरिंग सेक्टर कौन सा बिजनेस होना चाहिए मैनुफैक्चरिंग ही होना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी देखा जाएगा सबसे पहला है माइक्रो एंटरप्राइजेस तो इन्वेस्टमेंट अप टू ट्वेंटी फाइव लैक्स प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट पच्चीस लाख तक है तो उसे हम माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे स्मॉल एंटरप्राइजेस तो 25 सा पच्चीस लाख से लेके अप टू फाइव करोड़ इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी तो उसे कहेंगे स्मॉल एंटरप्राइज नेक्स्ट इज मीडियम एंटरप्राइज फ्रॉम फाइव करोर टू अप टू टेन करोड़ वो आएगा अंडर मीडियम एंटरप्राइज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द सर्विस सेक्टर अभी सर्विस सेक्टर के लिए अलग लिमिट्स होंगी ऊपर हमने देखा वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात थी अभी सर्विस सेक्टर में डिसाइड करना हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो लिमिट्स क्या क्या है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द सर्विस सेक्टर द लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज एज फॉलोज माइक्रो एंटरप्राइज अप टू टेन लैक्स स्मॉल एंटरप्राइज फ्रॉम टेन लैक्स एंड अप टू टू करोर मीडियम एंटरप्राइजेस फ्रॉम टू करोर एंड अप टू फाइव करोड़ ठीक है तो ये तीनों हमने क्राइटेरिया देख लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डिसाइड करने के ये रहेगा फॉर सर्विस सेक्टर एंड ऊपर हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके लिए नाउ नेक्स्ट एक्ट इज़ द इम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन या अमेंडमेंट एक्ट टू अब यहाँ पे उन लोगों ने कॉम्पेंसेशन की बात की है तो कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय को कब दिया जाएगा जब उस उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई कुछ एक्सीडेंट हो गया उसके साथ उसके बाद वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक है तो उस टाइम पे उसे कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा तो वो चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 थाउजेंड नाइन दिस एक्ट वॉज़ अर्यर रिफर्ड एज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एवरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज एम्प्लॉयड थ्रू अ कॉन्ट्रेक्टर एंड ऑल्सो कैजल एम्प्लॉयज़ हु सफ़र एंड इंजरी इन एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिस एम्प्लॉयमेंट शैल बी एंटाइटल फॉर कॉम्पेंसेशन अंडर द एक्ट ठीक है कौन से लेबर जो थ्रू कॉन्ट्रेक्टर आए हुए हैं या फिर नॉर्मल लेबर या एम्प्लॉयज़ की हम बात करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनका जो एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन है उस टाइम पे या उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया वो इंजर्ड हो गए तो उन्हें कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए दिस एक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन एंड देयर डिपेंडेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजरी बाय मींस ऑफ पेमेंट ऑफ़ कॉम्पेंसेशन बाय द एम्प्लॉयर कौन पे करने वाला है एम्प्लॉयर पे करेगा कॉम्पेंशेसन नाउ अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन दिया गया है

इंसान की डेथ हो गई तो कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा फ्रॉम द इंजरी इज मिनिमम वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और फिफ्टी परसेंट ऑफ मंथली वेजिस ऑफ डिसीज मल्टीप्लाइड बाय द रेलिवेंट एज फैक्टर इतना कॉम्पेंसेशन उसे दिया जाएगा मिनिमम कितना रहेगा या तो वन लैख ट्वेंटी या तो फिर फिफ्टी परसेंट ऑफ मंथली वेजिस ऑफ डिजीज पर्सन मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट एज फैक्टर दूसरा केस है द कॉम्पेंसेशन पेबल ऑन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट वो इंसान की डेथ नहीं हुई है लेकिन वो इंसान डिसेबल हो गया अभी काम नहीं कर पाएगा पर्मांटली तो वहाँ पे कॉम्पेंसेशन कितना होगा मिनिमम वन लैख फोर्टी थाउजेंड और सिक्सटी परसेंट ऑफ द मंथली वेजिस ऑफ द डिस मल्टीप्लाइड बाय द रेलेवेंट एज फैक्टर यहाँ पर डिसीज नहीं आएगा एक्चुअली वो पर्सन इंजॉर्ड हुआ है खाली तो रेलेवेंट जो एज फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना है उसका मंथली वेजेस एंड उसका सिक्सटी परसेंट या तो फिर वन लैक फोर्टी जो भी मिनिमम होगा ठीक है चलिए अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पॉइंट इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट टू इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स इंडस्ट्रीज बिजनेसिस में भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहाँ के पार्टीज के लिए उनके वहाँ की जो डिस्प्यूट हुए हैं वो पार्टी के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट 2010 हैज़ कम इनटू इफेक्ट ऑन फिफ्टीन सितंबर टू इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग एनहेंसमेंट ऑफ वेज लिमिट ऑफ़ द वर्कर्स वर्किंग इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी फ्रॉम वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थाउजेंड पर मंथ टू टेन थाउजेंड पर मंथ ठीक है इतना उन्होंने वेज लिमिट इनक्रीज किया नाम डायरेक्ट एक्सेस फॉर इंडिविजुअल वर्कमैन टू लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन केसेस ऑफ रिट्रेचमेंट डिस्चार्ज डिसमिसल और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस डायरेक्ट वहाँ पे जा सकता है वर्कमैन यानी एम्प्लॉय कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल किन केसेस में रिटरेचमेंट निकाला गया एम्प्लॉयर ने निकाल दिया जॉब से कॉस्ट uh, कटिंग के लिए या फिर डिस्चार्ज हो गया या फिर उसका डिसमिशल टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गया इन सारे केसेस में वहाँ पे वो डायरेक्टली जा सकता है नेक्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवंस रिड्रेसल मशीनरी इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयिंग ट्वेंटी और मो वर्कमैन फॉर द रेसोल्यूशन ऑफ़ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजअल क्या इस्टिशमेंट करना है ग्रीवंस रिड्रेसल मशीनरी यानी ग्रीवंस यानी कंप्लेंट्स जो आती है एम्प्लॉइज़ की उन्हें सॉल्यूशन लाने के लिए सेट करना है इन एवरी इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट कितने लोग होंगे ट्वेंटी या मोर वर्कमैन क्यों होंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स नाउ नेक्स्ट इज एम्पावरिंग द लेबर कोर्ट एम्पावरिंग द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू एग्जीक्यूट द अवार्ड ऑर्डर्स और सेटलमेंट अराइव्ड बाई लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ठीक है ये सारी चीज़ें की जाएगी न नेक्स्ट हमें एक्ट देखना है वो है कंपनीज़ एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन द कंपनीज़ एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स पहले नाइनटीन फिफ्टी सिक्स था इज़ रिप्लेस बाय द कंपनीज एक्ट नाइनटीन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन सॉरी After receiving the assent of President of India in August 2013. Now, the Companies Act 2013 is divided into 29 chapters containing 470 clauses as against 658 sections in the Companies Act 1956. Now companies sara informative part hai. Companies Act 2013 is considered as ट्रेंड चेंजर इन इंडियन कॉरपोरेट लॉ द टू थाउजेंड थर्टीन एक्ट कंटेन सेवरल न्यू प्रोविजन्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बेटर कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक्सेट्रा देखिए अभी ये जो एक्ट अमेंड किया गया ये जो नया एक्ट आया उसके अंडर काफ़ी सारी चीज़ें नई इंक्लूड की गई जिससे प्रोटेक्शन मिला इन्वेस्टर्स को दूसरा क्या हुआ कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में सोचा गया कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ कुछ बिजनेसिस होते हैं उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपल्सरी फुलफ़िल करना होता है तो वो सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे इंक्लूड किए गए नाउ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्लास एक्शन सूट विच इज़ की वेपन फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर टू टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट एरेंट कंपनीज एरेंट कंपनीज यानी कि कोई कंपनीज ऐसी जो सही सही उनकी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो उनके अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन ले सकते हैं शेयर होल्डर्स बेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन फिनंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा अभी ये क्या किया गया बेटर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो भी डिस्क्लोजर कंपनीज करती थी एवरी ईयर या जब भी रिक्वायर होती थी रिक्वायरमेंट होती थी तो उनका और डिटेल में उन्हें डिस्क्लोज़र करना होगा ये सारी चीज़ें बताई गई उसमें इट हैज़ ऑल्सो स्ट्रीम लाइन प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू डिस्क्लोज़र ऑफ ट्रांजेक्शन विथ पार्टीज रिलेटेड टू डायरेक्टर्स प्रमोटर्स एक्सेट्रा अभी कंपनीज ऐसे ट्रांजेक्शन्स करती है ऐसी पार्टीज़ के साथ जो रिलेटेड होती है डायरेक्टर्स से या प्रमोटर्स से ऐसे लोगों से कंपनी ट्रांजेक्शन करती है तो ऐसे ट्रांजेक्शन भी डिस्क्लोज करने होंगे इट प्रोवाइड्स फॉर न्यू कॉन्सेप्ट सच एज़ वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी वाला भी कॉन्सेप्ट लाया गया है जहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर होगा तो भी वो कंपनी रजिस्टर हो सकती है ठीक है वन पर्सन कंपनी कैप ऑन नंबर ऑफ नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी इज़ रेज टू टू हंड्रेड ठीक है प्राइवेट कंपनी के मेंबर लिमिट टू हंड्रेड होगी हो गई ई वोटिंग इज नाउ परमिटेड ई वोटिंग को भी अलाउ किया गया ये सारे ही चेंजेस किए गए अंडर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्ट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे देखी जाएगी द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इन इंडिया इज कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये एक्ट खाली जम्मू कश्मीर को नहीं लगेगा बाकी सारी जगह पे एप्लीकेबल है इट डिटर्माइंस दर्कम सर्कम्स्टेंसेस इन विच प्रमाइसिस मेड प्राम मेड बाय पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी लीगली बाइंडिंग ऑन देन ठीक है कौन कौन सी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लीगली वो कैसे जिम्मेदार बनते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे ऑल ऑफ अस एंटर इंटू अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एवरी डे नोइंग और अन नोइंगली ईच कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट सम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो कुछ पार्टी के लिए राइट्स बन जाता है कुछ पार्टी के लिए वो ऑब्लिगेशन uh, ड्यूटी बन जाता है नाउ हैंस दिस लेजिस्लेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ एटीन सेवेंटी टू बिंग ऑफ कैलिटल नेचर डील्स विद द इन्फोमेंट ऑफ़ दिस राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑन द पार्टीज इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जिसकी भी राइट्स है जिसकी भी ड्यूटीज़ है वो बराबर से फुलफिल होनी चाहिए ठीक है एज़ पर दिस लॉ ठीक है नहीं तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है ये बताया है इस एक्ट के अंडर नाउ नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी बिजनेस जो सेल्स करेंगे प्रोडक्ट के ठीक है वहाँ पर यह एक्ट अप्लीकेबल होगा दिस एक्ट कंटेन्स फोर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन्स चार इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स थे कौन कौन से थे अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड there शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल करने वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल एक पर्सन ने ऑफर किया है तो दूसरे पर्सन ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया तब जाके वो बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर कंप्लीट होगा कोई भी तरीके का फोर्स नहीं होगा वहाँ पर द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी आई दर एग्जिस्टिंग गुड्स ऑन ऑपोजेस बाय द सेलर और फ्यूचर गुड्स देखिए जो भी गुड्स सेल होने की बात हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो अभी के अभी रेडी ही हो फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है ठीक है जैसे काफ़ी सारी चीज़ों में हम सेलर को ऑर्डर देते हैं कि चलो हमने जैसे डिमांड किया वैसा गुड्स बना के हमें आप सेल करना इन फ्यूचर तो वो अभी गुड्स अभी रेडी नहीं हुआ है वो इन फ्यूचर होने वाला है और फिर वो सेल किया जाएगा अस्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स विच इज़ सब्जेक्ट टू देर ऑफ मे बी कंडीशन और अ वारंटी कोई कोई गुड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वारंटी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ ड्यूरेबल चीज़ें होती है ठीक है तो वहाँ पे रिक्वायर्ड uh, क्लॉज या कंडीशन मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे ठीक है फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी सेलर की ड्यूटी क्या रहेगी डिलीवर द गुड्स सही सही गुड्स जो भी गुड्स एक्जैक्टली मैंशन बात हुई है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गुड्स सेल किया जाए उस प्राइस पे ही सेल किया जाए एंड बायर की ड्यूटी क्या होगी गुड्स को एक्सेप्ट करना एंड पे करना इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ठीक है तो ये हमने यहाँ पे हमारा सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट 1930 भी देख लिया हमने तो ये हमने कुछ एक्ट्स दे देखे जो प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस पार्टीज़ को ठीक है तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर जो था प्रोजेक्ट प्लानिंग वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं अभी यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर देना एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाय एवरी